हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कई कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और आप सभी हालत देखकर समझ रहे हो। और दोपहर में मैं ऐसे ओढ़ कर आराम से लेटी हूँ, वो भी गर्मी में। आप सभी समझ सकते हो कि क्या हालत है मेरी। मुझे ना एक हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और पता नहीं क्यों ना मुझे बुखार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और गर्मी में भी मुझे ठंडी लग रही है। मैंने ना फ़ैन ऑन किया है, आप सभी देख लीजिए मेरा फ़ैन भी ऑफ है, बंद है। और मतलब कुछ भी फ़ैन ही नहीं चालू किया तो एसी ऑन करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो मैं दवाई लेकर, अब मुझे हल्का पसीना हो रहा है, मैं दवाई लेकर लेटी हुई थी बुखार की, बिकॉज मुझे बुखार चढ़ गया है अचानक में ही, तो इसीलिए अब थोड़ा उतर रहा है बुखार में। जैसे पूरे मतलब पूरा बॉडी एकदम पेन कर रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और एक हफ्ते से ये सिलसिला मेरे साथ है, मुझे एक हफ्ते से लगातार बुखार हो रहा है। तो मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, आप सभी के साथ शेयर करने का, बट फिर भी मैंने सोचा। मैं ऊब रही थी यार, सच बताऊँ तो मैं ऊब रही थी। एक तो मतलब बीमार हो जाऊँ तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है और लेटे लेटे शरीर भी दर्द करने लगता है, बट करूँ तो क्या करूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं सुबह कैसे भी करके उठ के इनका टिफ़िन तैयार करके इनको मतलब भेज दिया, बिकॉज़ अगर नहीं उठूँगी मैं तो फिर ये वैसे ही चले जाएंगे। और अब गर्मी होती है इतनी ज़्यादा, अगर कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी इनको भी, मुझे तो वैसे भी हो ही रही है। तो इसीलिए सुबह इनको दिया, इसके बाद मैंने चाय वाय पिया, फिर बुखार चढ़ना शुरू हुआ वहीं से। घर पर इतना अच्छा मतलब फंक्शन शुरू होने वाला है, इतना मतलब सब इकट्ठा हो रहे हैं और मैं जो है अचानक मेरी यूँ ही तबीयत जो है ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ मैं भी जल्दी से वेल हो जाऊँ, लेकिन मैं हो नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी मैं ठीक भी हो जाऊँगी। तो इसीलिए और आज आप सभी टाइटल पढ़कर जो है सोच रहे होंगे कि कौन सा फंक्शन क्या है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ससुराल में जो है मेरे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। मतलब स्टार्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट उसके पहले मेरी तबीयत ठीक हो जाए। आप सभी मेरा फेस देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर और यहाँ देख लीजिए आप सभी। तो मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, थोड़ा मुझे मतलब अब रिलैक्स होना शुरू हुआ है, अच्छे से हो जाए तब आप सभी से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, बट दवाई लिया जब आराम हुआ, जब उठ के मैंने काम करना शुरू किया। शाम का मतलब सुबह से मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुले हुए थे, बस इनको कैसे भी बना कर दे दिया था। और मैंने कुछ जो खाना था, जो चाय वाय लेना था मुझे, खाना तो नहीं खाया, मैंने सुबह का लंच नहीं किया है, इसलिए बर्तन भी आप सभी कम ही देख रहे हो। और ये भी आ ही चुके थे शाम को, एकदम मैं उठी हूँ, मतलब मैं उठ तो गई थी बट मैंने शाम को जो है ये सारे काम किए, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बेटर फील होने लगा। और फिर इन्होंने कहा चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूँ, दवाई दिलवा दूँ। मैंने कहा नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है शायद ये गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है या फिर क्या हो गया है, पता नहीं। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं ज़्यादा फ्रिज वगैरह का पानी भी नहीं पीती हूँ, कि मैं फ्रिज वगैरह का ज़्यादा पानी पी रही हूँ इसलिए मुझे जो है ये सब हो रहा है। मैं ज़्यादा करके नॉर्मल पानी, जो ताज़ा पानी होता है ना, ताज़ा ताज़ा आता है, मुझे वही पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन को भी धुल लिया है और फिर अब लगे हाथ पीने का पानी भी भर लेती हूँ, नहीं तो फिर पीने का पानी बाद में फिर मन नहीं करता है, एक ही बार में सारा काम ख़त्म हो जाए। सुबह से वैसे भी साफ़ सफाई नहीं की हुई थी तो पूरा बिखरा पड़ा था गंदा, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं जो है लगे हाथ सारा काम कर डालती हूँ एक ही बार में। जैसा कि पति देव मेरे आ ही गए हैं
ऑफिस से अपने, तो चाय रख रही हूँ यहाँ पर मैं। और मैंने जो है दोपहर में जब मुझे रिलैक्स हुआ ना, तो मैं जो है ये जो गद्दा है ना बिस्तर, ये जो है मैं छत पे डाल आई थी। बिकॉज क्या है ना कि इसके पहले बारिश हो रही थी, तो थोड़ा मतलब क्या होता है काफ़ी दिन से यूज़ में हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे धूप में डाल देती हूँ तो इसकी जो है स्मेल भी थोड़ी बदल जाएगी, तो बस इसीलिए। और यहाँ पर मैं जो है अपने बेड से इसे भी लगा देती हूँ लगे हाथ, नहीं तो मेरे हस्बैंड ने भी सारा मतलब जितना मैं साफ करके रखती हूँ वो पूरा गंदा कर डालते हैं, तो बस इसीलिए। फिर हम लोगों ने चाय पिया शाम को, फिर मेरा बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं था, और मेरे हस्बैंड का बहुत गर्मी भी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाओ भी मत, दाल चावल बना दो बस सादा खाना। तो आज मैं कोई बहुत ऐसी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली आप सभी के साथ, बस दाल चावल ही नॉर्मल बनाने वाली हूँ, वो भी दाल में हल्दी नहीं डाला है मैंने, बिकॉज पता नहीं क्यों ज़्यादा मतलब हल्दी वगैरह इस टाइम, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो शायद इसी वजह से हल्दी वगैरह ज़्यादा मतलब डार्क कलर हो, टमाटर का कलर डार्क हो या फिर दाल की कलर डार्क हो जा रही है ना, तो मेरा बिल्कुल भी फिर उसे देखने का मन नहीं कर रहा है, खाने का तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें जो है हल्दी नहीं ऐड करूँगी, बस एक जो वो खटाई होती है ना आम की वही बस डाला हुआ है, बस इसके अलावा मैंने हल्दी नहीं डाली है और नमक डाल दिया है। उसके बाद दाल फ्राई कर लेंगे वो अलग से। तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरे पास कुछ पापड़ वगैरह थे जो कि ख़त्म हो गए थे, थोड़े बहुत थे, चिप्स वगैरह थे थोड़े और नली वगैरह थी, तो मैंने कहा लगे हाथ वो भी निकाल लेते हैं, बिकॉज अब सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी टाइम टाइम की ये चीज़ें मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि अब इसे ख़त्म करके नया स्टॉक लेंगे, अभी पुराना ख़त्म करते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं तल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा निकालो तो एक आधा मैं भी खा लूँ, तो मैंने कहा चलो फिर मैं निकाल ही दे रही हूँ।
बचे हुए तेल में मैं क्या करती हूँ कि जीरा डाल दिया मैंने, और जीरा जो है जब हल्का सा ब्राउन हो जाए, क्रैक हो जाए, चटकने की आवाज़ आने लगे उसमें से, तो आप उसमें जो है अपना मटेरियल जो भी आप मतलब टमाटर प्याज लहसुन, बहुत लोग मिर्ची भी दाल फ्राई में यूज़ करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों एक हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते जैसे इस हफ्ते छाला हुआ फिर एक हफ्ते नहीं रहेगा फिर दूसरे हफ्ते हो जाएगा, तो बस वही है उनके साथ। तो मैं खाने में अक्सर करके मिर्ची नहीं डालती हूँ, मुझे खाना रहता है तो मैं अलग से लेके खा लेती हूँ, बट मैं खाने में ऐड नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर वो नहीं खा पाते हैं, सिर्फ पानी भर भर के पियेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर प्याज टमाटर और लहसुन से ही अपने दाल को फ्राई कर रही हूँ। आप सभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची ऐड कर सकते हो, बट मेरे हस्बैंड एक तो बिल्कुल खाते भी नहीं हैं, और अगर थोड़ा सा डाल भी दो तो उनको छाले ये जो आए दिन हो जाते हैं, इससे परेशान हो जाती हूँ मैं, तो मैं भैया तब मिर्ची लेके खाती हूँ, अब और क्या करूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर ना अपने जो भी मतलब फ्राई करने के लिए मैंने जो तैयार किया था उसमें नमक डाल दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और उसे ढक दिया तो और भी अच्छा जो है सॉफ्ट हो जाता है। आप कभी ट्राई करना, अगर आपके टमाटर वगैरह जैसे कुछ कड़क हो ना, कच्चे वाले आते हैं जो थोड़े थोड़े, तो आप वैसे ट्राई करना, आपके हो जाएंगे। मेरे तो फिर भी इस बार नहीं हुए क्योंकि मैंने जल्दी ही खोल भी दिया था, हटा दिया था ढक्कन, तो इसीलिए, बट आप जो है 5 मिनट ढक के रखोगे ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मेरे पास स्टॉक में ज़्यादा धनिया पत्ती नहीं थी, बस थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा बस महक के लिए इतना ही मतलब ज़रूरी है, ज़्यादा धनिया पत्ती ज़रूरी भी नहीं है, तो बस मैंने जो है ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी है। आप सभी दाल का कलर देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा पीला नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों जैसे बहुत ज़्यादा पीला रहता है ना, तो पता नहीं जैसे मन में अजीब सी जैसे घबराहट होती है देख कर ही, तो इसीलिए मैंने हल्दी नहीं डाली थी, बस ऐसे ही सादा, और उसे फिर एक अच्छे से बर्तन में खाली कर दिया। और अब मैं डाल दूंगी चावल उसी कुकर में, ताकि ज़्यादा बर्तन ना लगे यार, नहीं तो धुलना भी तो अपने को ही है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, आप सभी को पता ही है। तो डिनर तो रेडी हो गया, दाल चावल आप सभी देख ही सकते हो, बस अब इसे करके मैं सोने वाली हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मैं जो है आप सभी देख सकते हो कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आज मुझे धुलने भी हैं। तो यही है कि मतलब तबीयत ठीक हो या ना हो, आपको काम तो सब करना पड़ेगा, तो बस वही है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मतलब क्या है ससुराल में, तो आप सभी को जल्दी ही पता चल जाएगा, बट बहुत बड़ा फंक्शन है ससुराल में, और मेरी तबीयत आप सभी भगवान से मनाइए जल्दी से ठीक हो जाए यार, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है आप सभी के साथ भी, कि मतलब अगर कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह पढ़ने को रहे तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ मुझसे कह रहे हैं और मैं जो है गौर से सुन रही हूँ, यही कुछ मतलब घर क्या कैसे यही कुछ बात हो रही थी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि मैं इनके जाने से पहले झाड़ू वाला काम कर लेती हूँ, पोछा मैं बाद में लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू वाला काम मैं इनके जाने के पहले ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इनके जाने के बाद मैं बिल्कुल भी मतलब झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ, अगर कभी लगाना पड़ गया तो शायद लगा भी दूँ, ऐसा नहीं है, बट कोशिश यही करती हूँ कि नहीं ही लगाऊँ, तो इनके जाने से पहले ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, बिकॉज ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, आई नो आप सभी नहीं देखने वाले हो, बट आप सभी फिर कहने लगते हो कि आप शेयर करो, और 2-4 लोग मतलब इतने ज़्यादा खास हो गए हैं, वो जब कहते हैं आप शेयर करिए हम देखते हैं, हमें इंतज़ार रहता है, तो मुझे लगता है कि यार उनके लिए कर ही दो, अब इतना भी क्या मतलब होपलेस होना, तो उनके लिए कर दो, तो बस उन्हीं के लिए किया है मैंने। वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, मिलूँगी फिर किसी अच्छे ब्लॉग के साथ।